गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम गुड मॉर्निंग। मैम गुड मॉर्निंग। आई एम फाइन मैम, आई एम आल्सो फाइन बेटा। चलिए आज के सेशन में हम आप लोगों को मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में जानकारी देंगे, ठीक है? यस मैम। वैसे आप हर साल पढ़ते आए हो, है ना? मुहावरा एक वाक्यांश है जो सामान अर्थ का बोध न कराकर किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है। यस मैम। ना, एक वाक्यांश होता है जिसका कोई सामान्य अर्थ ना होकर कोई विशेष अर्थ होता है। मुहावरे के प्रयोग में अर्थ जो yes, अर्थ का प्रयोग कराता है। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, मंत्रा ने कैकेयी के कान भर दिए। तो यहाँ कान भरने का शाब्दिक अर्थ कुछ नहीं है, कान भरना कोई अर्थ निकल रहा है नहीं, लेकिन मंत्रा ने कैकेयी के कानों में कुछ भरा तो नहीं, परंतु संकेत से अर्थ निकलता है, कुछ भड़काने वाली बातें कही हैं। कान से तो है, तो कान भरने में कान में कुछ भरा नहीं जा सकता है, कान में केवल बातें ही कहा जा सकता है। तो संकेत कर रहा कि मंत्रा ने जरूर कोई बातें कैकेयी के कान में कही है भड़काने वाली, इसका अर्थ निकल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर कान भरना मुहावरा हो गया। यहाँ इसका सांकेतिक अर्थ जो है उसी विशेष यही अर्थ होगा आपका। कुछ और है, आग में घी डालना। आग में घी डालते हैं तो आग जो है खूब तेजी से जलने लगता है ना? यस लेकिन शाब्दिक अर्थ नहीं निकल रहा है आग में घी डालना, तो इसका मतलब होगा भड़काना। जैसे आग में घी डालते हैं तो आग खूब भड़क धाक उठती है, तो इसी का हम विशेष अपने प्रयोग करते हैं कि आग में घी डालना, यानी किसी को भड़काना। किसी ने किसी को भड़का दिया तो हम कहते आग में घी डाल दे, तो भड़का रहा होता है किसी को, उत्तेजित कर रहा होता है, गुस्सा कर रहा होता है, तो हम उसको विशेष के रूप में हम कहते हैं कि आग में घी डाल रहे हो। दांतों तले उंगली दबाना, हैरान, कोई हैरान वाली बात हमें, तो हम कहते हैं दांतों तले दबाना, दबा लेते हैं, बहुत ही आश्चर्यचकित हैरानी वाली बात है ये। पेट में चूहे दौड़ना, क्या पेट में चूहे दौड़ते हैं? भूख लगना शाब्दिक अर्थ बहुत नहीं है, लेकिन सांकेतिक अर्थ है भूख लगना। ऐसे ही बहुत सारे मुहावरे दिए गए हैं, ठीक है? यस मैम। मुहावरे आप लोग पढ़ेंगे, पढ़ने से थोड़ा दिमाग में आप लोगों के आएगा, पांच पांच मुहावरा, दस दस मुहावरा एक एक लोग पढ़ो, ठीक है? यस मैम। चलिए यस मैम, सबसे पहले सिद्धार्थी। यस मैम। मैम, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, वाक प्रयोग बेटा अब तो लाचार हूँ, अब तो तू ही मेरे लिए अंधे की लाठी है। मैम वाक प्रयोग भी बोलना है? हाँ हाँ, पूरा पढ़ना है, वाक प्रयोग करो तब तो उसका अर्थ स्पष्ट होगा। यस मैम। जैसे अंधा व्यक्ति होता है उसको सहारे की लाठी जरूरत पड़ती है ना, ऐसे ही बुढ़ापे में माँ बाप को बच्चे की जरूरत पड़ती है, इसीलिए मुहावरा का अंधे की लाठी ही नहीं एकमात्र सहारा, बच्चे ही होते हैं। मैम अपने मन से वाक्य प्रयोग बना सकते हैं? हाँ बेटा, मैम अपने मन से वाक्य प्रयोग बना सकते हैं? आप इसको पढ़िए, जब आपका एग्जाम में पूछा जाए तो अपने हिसाब से आप दे सकते हैं, यहाँ जो राइट है उसको ही पढ़िए। ढीला होना, अर्थ बहुत थक जाना, मैं अब और नहीं कर सकूंगा, मेरा तो अंग अंग ढीला हो गया है, अंधा होना, बुद्धि खराब हो जाना, तुमने इतना बुरा काम कैसे कर डाला, क्या तुम अंधे हो गए थे? अंधों में काना राजा, मूर्खों के बीच थोड़ा सा बुद्धिमान नेता, मतलब कि
वह आठवीं पास होने पर अपने घर में अंधों में काना राजा बन हुआ है, बना हुआ है, यानी कम पढ़ा लिखा है। जहाँ कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा ना हो तो वहाँ अगर कोई आठ पास ही है तो वहाँ मूर्खों के बीच बुद्धिमान ही तो होगा, इसीलिए उसके लिए विशेष अर्थ प्रयोग किया गया अंधों में काने राजा। अगला, अंधे के हाथ बटेर लगाना, लगना अयोग्य को महत्वपूर्ण वस्तु मिल जाना, यानी कोई व्यक्ति अयोग्य है, यानी उस वस्तु के योग ना होते हुए भी उसको कोई योग वस्तु मिल जाती है, तो हम इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं कि अंधे के हाथ बटेर लग गई। बताइए, अंधा मतलब, यस मैम, इस अनपढ़ को एम ए पास पत्नी क्या मिली? पास पत्नी मिली, मानो अंधे के हाथ बटेर लग गई। अकल का अंधा मतलब की मूर्ख, उससे समझदारी की आशा न करना, वह तो अकल का अंधा है। जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं तो क्या अकल के अंधे हो बिल्कुल, जो व्यक्ति मूर्खता का काम करते हैं। अगला, अपना उल्लू सीधा करना, यानी अपना स्वार्थ पूरा करना। व्यक्ति केवल अपना स्वार्थ देखता है तो हम उसको कहते हैं अपना उल्लू सीधा करने वाला व्यक्ति, अपना उल्लू सीधा कर लेता है। आंखें फेर लेना, उसकी ध्यान न देना, उपेक्षा करना, मतलब पूरा होने पर रमेश ने हमेशा हमसे आंखें फेर ली, यानी मतलब निकल जाओ गया तो पहचान नहीं रहा है व्यक्ति। यस मैम, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, कोई आपकी प्रशंसा करे या ना करे, वह स्वयं ही अपने मियां मिट्ठू बन रहता है, बना रहता है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, समाज से अलग रहना, सबसे अलग थलग रहना, अलग थलग बने रहना। वक प्रयोग, वह सबके साथ ना बैठकर अपनी खिचड़ी अलग पकाता है। हाँ। चलिए अभिराल, इसके आगे आप पढ़ेंगे। गायब हो गए मैम, हम रीड करें? हाँ चलिए अरुण। मैम कहाँ से रीड करना है? 11 नंबर से, नंबर 11, आंखों में खटकना। वीडियो ऑन रखी बेटा। मैम ऑन है, ऑन है मैम। आंखों में खटकना। अच्छा ना लगना यानी बुरा लगना। मैम हमारे में नहीं है, 11 नंबर पे नहीं है। यस मैम। मैम आंखों में खटकना अर्थ अच्छा ना लगना, बुरा लगना। वाक प्रयोग, गालियों बकने की आदत के कारण वह मेरी आंखों में खटकता है। आंखों में धूल झोंकना अर्थ आंखों का तारा अर्थ बहुत प्यारा। माँ अपने बेटे को कैसे कष्ट दे सकती है, वह तो उसकी आंखों का तारा।
क्या होता है? आंखों में धूल झोंकना, अर्थ धोखा देना। कैदी पहरेदारों की आंखों में धूल झोंककर जेल से भाग गया। आग में घी डालना, लड़ाई को भड़काना। तुम उन दोनों की लड़ाई कराकर बराबर आग में घी डाले जा रहे थे। आग लगने पर क्षमा करना, अर्थ विपत्ति आने पर ही उपाय खोजना। कल परीक्षा है और आप आज खरीद रहे हैं, भला आग लगने पर कुआं खोदने से क्या लाभ? आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। सिंगापुर की बहुमंजिली इमारतें आसमान से बातें करती हैं। ईंट बजाना, तहस नहस कर देना। अमेरिका ने इराक पर उसकी ईंट से ईंट बजा दी। ईद का चांद बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अरे भाई साहब, आप तो ईद का चांद हो गए हो, क्या कहीं बाहर चले गए थे? उंगली पर नचाना, तंग करना, क्या जमाना आ गया है? अपनी सासों को उंगली पर नचाना। कौन 19-20 का अंतर? बहुत थोड़ा सा अंतर। ले लीजिए, दोनों में 10-19-20 का ही अंतर। हाँ बेटा, चलिए 11 हो। स्टॉप, अरुण स्टॉप। अंश, आवाज सुनाई दे रही है? अंश। यस मैम। चलिए आप पढ़ेंगे अगला। मैम कहाँ से पढ़ना है? 21 से। आप देख नहीं रहे थे क्या बुक्स में? मैम वो ढूंढ रहे थे मैम कहाँ है। मतलब इतना सारा दो दो लोग पढ़े हो, आप भी ढूंढ रहे हो? एक और एक 11 पेज नंबर 157 मिला। 157। हाँ, आप लोगों में कितना है महक? मैम 157। तो 57 में ही तो है मेरे लिए। चलिए आप पूछिए। यस मैम। मिला एक और एक ग्राहक। एक और एक 11 होना। एक और एक 11 होना। उसका विशेषण होगा एकता में बल होना। उसे एक और एक मिलके दो होते हैं ना, लेकिन यहाँ एक और एक 11 हो रही है। एकता में बल है। अगर हम दोनों मिलजुल कर काम करेंगे तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अकेला याद रहे और 11 होता है। एक हाथ से तितली न ताली न बजना। में एक ही पक्ष का दोष नहीं होता है होता। इस लड़ाई में किसी एक की गलती नहीं थी, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजाती। अभी आप बजाइए, एक हाथ से ताली क्या बजेगी? नहीं, दोनों हाथ का प्रयोग करना पड़ेगा। वैसे ही कोई भी झगड़ा होता है तो उसमें एक ही पक्ष की गलतियां नहीं होती है। हाँ, ये हो सकता है किसी पक्ष की थोड़ी कम गलती हो, कोई ज्यादा हो, लेकिन कुछ न कुछ तो गलती रहती है दोनों ही पक्ष की। दीपिका सुन रही है बेटा? यस मैम। चलिए आगे। बीच बीच में वीडियो बंद कैसे हो जाता है तुम्हारा? एक जगह बैठ नहीं पाती हो? मैम ऑन है। अभी कुछ देर के लिए गायब हो गई थी।
हाँ चलिए बेटा पढ़िए। प्रियान रखो। चलिए अंश आगे पढ़िए। कलेजे पर सांप लटकना। लटकना नहीं बेटा, लौटना। कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या होना। ईर्ष्या होना। जब मोहन ने सुना कि उसका चचेरा भाई IAS की परीक्षा पास कर गया है, तो उसके कलेजे पर सांप लौट गया। कान कतरना यानी चालाकी करना। उसे छोटा और भोला ना समझना। वह अच्छे की कान कतर लेता है। क्यों है ना? चलिए आगे देखिए। और आगे गले का हार बहुत पसीना एक करना। खून पसीना एक नहीं कर रहे हो, आराम कर रहे हो। खून पसीना एक करो यानी मेहनत करो। गरीबी मजदूर भरने के लिए खून पसीना एक कर देते हैं। गले का हार बहुत प्यारा बना। मेरे छोटा बेटा मेरे गले का हार है। वह एक पल के लिए भी मुझसे अलग नहीं होता। नहीं बंद नहीं। हाँ बेटा आगे। गागर में सागर भरना। गागर का मतलब जान रहे हो क्या होता है? गागर किसको कहते हैं मैम? कोई बताए? मैम मिट्टी का बर्तन। हाँ मिट्टी का बर्तन जिसमें पानी भरते हैं। गगरी मैम घड़ा कहते हैं ना? घड़ा। यस मैम। उसमें सागर भरना। सागर बहुत विशाल होता है। सागर में पानी की कोई सीमा नहीं है कितना पानी सागर में होती है, क्योंकि नदियां बहकर सागर में ही जाती है। तो गागर में सागर भरना जो मुहावरों का प्रयोग किया गया है, इसका बहुत ही विशेष अर्थ है। यानी छोटे में बहुत सा, यानी कम शब्दों में ही बहुत अधिक शब्द कह देना। यस मैम। हाँ अरुण। यस मैम। समझ रहे हो? यस मैम। बिहारी कवि को कहा गया बिहारी जी की रचना गागर में सागर के समान है, यानी थोड़े में ही उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं। यस मैम। यहाँ देखिए क्या प्रयोग किया गया है। तुलसीदास जी एक पंक्ति गंभीर है, उन्होंने गागर में सागर भर दिया है। तुलसीदास जी के लिए yes, भी गया है। उनकी जो रामायण की एक एक पंक्तियां है बहुत ही अर्थवान है, बहुत ही ज्ञानदायक समझने योग्य है, इसलिए उन्हें ऐसा कहा गया। हाँ चलिए दीपिका आप भी पढ़ेंगी कुछ। यस मैम। हाँ चलिए। गिरगिट की तरह रंग बदलना। गिरगिट की तरह रंग बदलना, बाद में बदल जाना। अरे उस पर भरोसा न करना, वह काम होते ही गिरगिट की तरह रंग बदल लेता है। अच्छा आप लोगों ने भी देखा है गिरगिट को बदलते हुए? हलचल मचाना। एक दीपिका दीपिका गिरगिट देखी हूँ मैंने देखा। यस मैम। नहीं मैंने बदलता है गिरगिट। यस मैम। यस मैम। मैम जब ग्रीन में जाता तो ग्रीन करता होगा, तब ब्राउन में जाता तो ब्राउन हो जाता है। कभी इसको मतलब देखी हो ऐसा? मैम मैंने देखा है।
मैम हम भी देखे हैं। मैम रंग बदलती नहीं देखी। आस पास के जो वातावरण होते हैं उसके अनुसार अपने को अपना रंग कर लेता है वो। हमने भी इसको देखा है, जो हरियाली वाले पेड़ पौधे पे होता है तो उसकी परछा मतलब छाई जो शरीर की होती है वह हर तो वही अगर उसके बगल में पेड़ पौधे में कहीं लालिमा है तो उसका रंग जो है लाल करके दिखता है, हल्का लाल करके दिखता है। ऐसे ही कुछ व्यक्ति होते हैं कि वो कब कौन सा रंग बदलते हैं क्रिकेट की तरह, यानी यदि मतलब व्यक्ति नहीं होता तब हम उसको कहते हैं, जो व्यक्ति हमारा विश्वास पात नहीं होता है कभी कुछ कहता है कभी कुछ कह देता है समय पड़ने पर अवसर अनुसार, ठीक है, तब हम उसके लिए मुहावरा प्रयोग करते हैं। चलिए आगे। घर सिर पर उठाना बहुत हलचल मचाना, एक दिन पिताजी घर ना हो तो ये बच्चे पूरा घर सिर पर उठा लेते हैं। घड़ों पानी पड़ना, लज्जित होना, चोरी पकड़े जाने पर उसका चेहरा देखने लायक ना, निश्चित होना, अपनी बेटी की शादी करने के बाद पंडित सुखराम घोड़े बेचकर सोते हैं। चेहरा उतारना, उदास होना, फेल होने के बाद सुनते ही बेचारा सोनू का चेहरा उतर गया। छुपके छुड़ाना, रजित होना, राडा की सेना, राजित होना और करना बहुत अंतर है। की सेना इतने जोश से लड़ी कि उसने मानसिंह की सेना के छक्के छुड़ा दिए। छोटा मुंह बड़ी बात, बढ़ चढ़ कर बोलना, बच्चे तुम बीच में मत बोलो, मैं तुम्हारे पिताजी से बात कर रहा हूँ, तुम ये बढ़ चढ़ कर बोलना छोटा मुंह बड़ी बात है। जी भरना, उकता जाना, हिंसा और मारधाड़ भारी फिल्में देखकर मेरा जी भर गया है। टका सा जवाब देना, मैंने बड़े विश्वास के साथ उससे 100 रुपए उधार मांगे पर उसने टका सा जवाब दे दिया। दांत पीसना क्रोध करना जब रोकने पर भी वह मेरे सामने चुप ना हुआ तो मैंने दांत पीसते हुए उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। दांत खट्टे करना, हारना, संख्या में कम होते हुए ही महारानी दुर्गावती के सैनिकों ने शत्रुदल के दांत खट्टे कर दिए। नाकों चने चबाना, बहुत तंग करना, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे छोटे भाई ने अपनी शरारतों से मुझे नाकों चने चबुआ दिया। पलक झपकाना, नींद आना था। खाना खाने के बाद मैं बैठे तो मेरे पलक झपकने लगी। पलक झपकने नहीं डाला। चलिए महक आगे आप पढ़िए। पानी भरना, कम प्रभावित होना, पानी भरना, कम प्रभावित होना, विराट की बल्लेबाजी के सामने बड़े बड़े खिलाड़ी पानी भरते हैं। प्राण पखेरू उड़ना, मर जाना, लड़ते लड़ते अनेक योद्धाओं के प्राण पखेरु उड़ गए। बहुत खुश होना, बाहुबली के राजा बनने पर प्रजा फूली नहीं समा रही थी। बाजी मारना, जीतना, इस बार हमारे खिलाड़ियों ने जी जान लगाकर बाजी मार ही ली। बाल बांका होना, कुछ भी बाल बांका ना होना,
कुछ भी ना बिगड़ना, बिगड़ना भगवान की कृपा से रेल दुर्घटना में मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ। भ्रुकुटी ताना करना, जब तक अध्यापिका ने भ्रुकुटी नहीं तानी बच्चे उधम मचाते रहे। मुंह की खाना, बुरी तरह हारना, हारना कारगिल युद्ध में विरोधी सैनिकों को मुंह की खानी पड़ी। वीरगत पाना, युद्ध में शहीद होना, आतंकवाद से लड़ते लड़ते अनेक सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए। स्वर्ग सिधारना, मर जाना, आखिरकार राम का नाम लेते लेते महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए। हाथ को हाथ न सूझना, गुप्त अंधेरा होना, अंधेरी रात में हाथ को हाथ न सूझता था। हाथ ढीले पड़ना, कमजोर होना, मिलकर विरोध किया तो अत्याचारी शासक के हाथ भी ढीले पड़ गए। हाथ पैर फूलना, घबरा जाना, सामने पड़ी लाश को देखकर मेरे तो हाथ पैर फूल गए। हाथ लगना, प्राप्त होना, मैं सौभाग्यशाली रहा, पढ़ाई पूरी होते ही नौकरी मेरे हाथ लग गई। हाथ साफ करना, चुरा लेना, जैसे ही बत्ती गुल गई चोर ने सोने के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। हाथों हाथ लेना, उत्साह से स्वीकार करना, इस नए मोबाइल को लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। चलिए बेटा, ये तो आपका मुहावरा था जो विशेष अर्थ में प्रयोग किया गया। ऐसे ही आपका आ रहा लोकोक्तियां, है ना। लोकोक्तियों का अर्थ होता है लोक में प्रसिद्ध उक्तियां, कहावत, यानी कुछ ऐसी कहावत होती है जो हमारे समाज में आज बहुत ही समय से प्रसिद्ध है और लोग उसको विशेष अर्थ में प्रयोग भी करते हैं। इसके पीछे सैकड़ों लोगों का अनुभव होता है और लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा सुंदर और रोचक हो जाती है। भाषा में इसका प्रयोग जब किया जाता है तो भाषा सुंदर और रोचक हो जाती है। तो कुछ जो है प्रभावी लोकोक्तियां जो है आपके सिलेबस में दिया गया है, इसको एक बार ध्यान से पढ़ लें आप लोग। जैसे पहला है एक पंथ दो काज। पंथ का मतलब क्या होता है सिद्धार्थी? मैम पंथ का मतलब क्या होता है? एक पंथ दो मैम पढ़ी लो परिणाम होगा। पंथ का मतलब रास्ता होता है, एक लाभ उठाना, यानी एक रास्ते पे चलकर हम दो काम कर सकते हैं। कभी ऐसा होता है एक साथ हम दो काम करते लाभ उठाना, तो इसके लिए मुहावरे का प्रयोग हुआ जाता है एक पंथ दो का, यानी एक काम को करते हुए ही दोहरा लाभ प्राप्त कर लेना। यानी नृत्य विद्यालय खोलने से जहाँ हमें नृत्य करने का आनंद मिलता है वहीं धन भी प्राप्त हो जाता है, इसे कहते हैं एक पंथ दो। मैम एक तीर से दो निशाना लग गया। हाँ बेटा। मैम एक तीर से दो निशाना लग जाना, ये भी होता है एक साथ दो लाभ होना। यस मैम। चलिए दूसरा, अधजल गगरी छलकत जाए, यानी जब पानी आधा गगरी में होता है कलश में तो पानी ज्यादा छलकता है ना। यानी ऐसे ही जो तुच्छ व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वास्तव में सज्जन व्यक्ति होते हैं वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, लेकिन जो तुच्छ व्यक्ति होते हैं वो बढ़ा चढ़ा के बातें करते हैं। सिद्धात्री हाँ चलिए बेटा। जैसे यहाँ दिया भी गया ओछा आदमी ज्यादा बढ़ चढ़ कर बातें करता है, बनाया करता है, या महाशय दसवीं फेल है
कुछ दिन न्यूयॉर्क में क्या रहा है ना, बस हर समय टूटी फूटी अंग्रेजी बोलकर सबका झूठा रोग झाड़ते रहते हैं, झाड़ते रहते हैं। इसे ही कहा जाता है अधजल गगरी छलकत जाए, छलकत जाए। एक मुहावरा और है, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। आपने इसको बुक से पढ़ा भी था, यानी समय जब वक्त हाथ से हमारे निकल जाए तो फिर पश्चाताप करने से कुछ नहीं होता है, कुछ लाभ नहीं होता। चला जाए जो समय आप लोगों को मिला है पढ़ाई करने का, अगर इस समय का सदुपयोग न किए तो बाद में पश्चाताप करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, yes, ठीक है। yes, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, ऐसे ही कोई अकेला व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता है, कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। अकेला व्यक्ति कभी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, जैसे बाहुबली, बाहुबली ने हनीमती के युद्ध को जीतने के लिए अपनी प्रजा को हाथ साथ लिया। वह जानता था कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है, फोड़ सकता। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी दोहरा लाभ कमाना। देखिए अखबार खरीदना तो हम न्यूज भी पढ़ लेते हैं, बाद में उसके इकट्ठा करके बेच भी देते हैं, हमें दो लाभ होता है। एक तो हम न्यूज पढ़ लिए, उसका सदुपयोग भी किए, और दूसरा उसको बेच दिए तो हमें फिर से पैसा हमारे पास आ गया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी दोषी व्यक्ति जो होता है वह निर्दोष को, यानी अपना दोष किसी निर्दोष व्यक्ति पर मर देता है ना? दे देता है। यस मैम। जैसे सिद्धार्थ ने कोई गलती की, वहां अरुण भी था, तो अपनी गलती को मानने के बजाय वह अरुण को भी कह दे अरुण ने काम किया है, बस्ती। ठीक है। यस मैम। ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी जो ऊपरी तड़क भड़क होता है कुछ और है, अंदर उसके कुछ और है, यानी बाहरी बाहर दिखावा करना है ना। yes, मैं बड़े शौक से 5-स्टार होटल में खाना खाने गया, पर सच हूँ कोई स्वाद नहीं मिला, यानी ऊपर तो खूब बढ़िया डेकोरेशन था लेकिन जब खाना खाने लगा तो उसमें कोई स्वाद नहीं था। ऐसे चीजों के लिए प्रयोग किया गया है कि ऊंची दुकान फीकी पकवान, यानी फिर बाहरी तड़क भड़क है, अंदर से कुछ नहीं, कुछ नहीं। एक और एक होना, एक और एक 11 होना, यानी एकता में, एकता में बल होना। बल, ठीक है। यस मैम। यस मैम। इकट्ठे रहोगे तो आप लोग कोई भी मुसीबत का सामना कर सकते हो, और अकेले रहोगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक और एक 11 होते हैं। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, यानी yes, आपके क्लास में अगर व्यक्ति सारे समूह एक बच्चा बुरा बना देता है, एक बच्चा शरारती है तो पूरा क्लास उससे परेशान रहता है, उस क्लास का, हाँ क्लास का नाम ही होता कि हाँ चलो इस क्लास सबसे गंदा क्लास है, एक ही बच्चा उसमें अगर गंदा है तो पूरे क्लास के बच्चों का नाम जो है उसमें बुरा बन जाता है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यानी बहुत कोई ऊंचा व्यक्ति है और बहुत कोई निम्न स्तर का व्यक्ति है तो उसकी हम तुलना एक साथ नहीं कर सकते। जैसे कि तुलसीदास सूरदास जैसे कवियों की तुलना आज के कवियों से की जाए तो ये क्या है? नो मैम। है उनके समकक्ष है आज के कवि नहीं है। यस मैम। घर का भेदी लंका ढाए, यानी आपसी फूट ही विनाश का कारण बनता है, विनाश का कारण बन जाता है, है ना? जैसे कि यस रावण और विभीषण की फूट न होती तो लंका का विनाश न होता।
हाँ, यानी घर में अगर आपस में मनमुटाव है तभी बाहरी लोग हमारा नुकसान कर सकते हैं, ठीक है? यस यस, फायदा उठा सकते हैं। जो गरजते हैं बरसते नहीं, यानी कहने का मतलब है कि जो ज्यादा बढ़-बढ़ के बात करता है वह हकीकत में कुछ नहीं कर पाता है, कुछ नहीं कर। जैसे कभी कभी आप बरसात में देखते बादल आते हैं, खूब घनघोर आवाज करते हैं, खूब गरजते हैं, फिर पानी नहीं बरसता। ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा गया है कि जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है वह कुछ करता नहीं है। Yes, चार दिन की चांदनी पर फिर अंधेरी रात, यानी yes. थोड़े दिन मजे कर लो, फिर स्कूल खुल जाएगा yes. तो आपको रोज स्कूल आना, रोज जाना, रोज होमवर्क करना yes. ना होने पर पिटाई पड़ेगी, है ना? तो चार दिन की चांदनी yes. आप लोग बुला yes. लीजिए बैठ के। अभी नहीं होमवर्क yes. करके दे रहे, हम लोग चिल्ला रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं आप लोगों का ना। लेकिन जब क्लास में आओगे होमवर्क अनकम्प्लीट रहेगा तब क्या होगी, उसकी सजा मिलेगी ना महक। तो आप लोगों की चार दिन की चांदनी है, अंधेरी रात आएगी फिर। मैम कब आएगी? होगी मैम, कंप्लीट है। हाँ मैम सारा अंधेरी रात। हाँ तो आपकी कंप्लीट है ना, सिद्धार्थी वाल की नहीं कंप्लीट होगी। क्यों सिद्धार्थी मैम कंप्लीट की है तो मैम कंप्लीट देखा जाएगा ना। यस मैम कंप्लीट की है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी बलवान, जो बलवान व्यक्ति होता है उसका ही अधिकार सब पर होता है। गांव में किस सरकार की कानून नहीं चलती है, जो बलवान व्यक्ति हैं वे सबको अपने अंदर रखते हैं, अपने बल बूते लाठी के सहारे, है ना? यस। चलिए बेटा, ये आपका मुहावरे और लोकोक्तियां था, आप इसको समझ गए होंगे। इससे संबंधित जो क्वेश्चन है इसको आपको करके भेजना है, ठीक है? एक पेज आज करके भेज दीजिएगा, पेज नंबर 162 इसको आज करके भेज दीजिए, और 63 कल भेज दीजिएगा, ठीक है? यस मैम, यस मैम। और बढ़िया से याद कर, इसको याद कर डालिएगा। से मेरा होगा ढीला हो, ठीक है बेटा? अगले सीजन में तो फिर दूसरा चीज अभ्यास प्रश्न पत्र रहेगा, इसको करवाएंगे। यस मैम, यस मैम, अभ्यास प्रश्न पत्र। तो एक काम कीजिए, आज के लिए आप पूरा इसी को कर डालिएगा। यस मैम, दूसरे पेज में कुछ नहीं है, केवल 3 क्वेश्चन है, तो आज इसको करके भेज दीजिएगा, कल के लिए आपको अभ्यास प्रश्न पत्र दिया जाएगा। यस मैम, ठीक है? यस मैम, आज का होमवर्क इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। आंसर सुन पा रहे हो ना क्या होमवर्क मिला है? यस मैम। तो जो आज करना है इसको चल के बैठ के आप लोग करके भेजिए, ठीक है? गुड बाय एवरीवन। यस मैम।